हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर सब। तो आज का जो हम लोग ऐसे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑफ स्टडीज, जिसे लिखा गया था फ्रांसिस बेकन के द्वारा। और बात कर ले फ्रांसिस बेकन की, तो फ्रांसिस बेकन एक ऑथर, एक इंग्लिश फिलोसोफर, स्टेट्समैन, साइंटिस्ट और लॉयर थे। और इनका जो ये ऐसे है ऑफ स्टडीज, इसे ओरिजिनली 1601 में पब्लिश किया गया था, पर बाद में फ्रांसिस बेकन ने इस ऐसे में कुछ और आइडियाज सेंटेंसेस ऐड किए और 1625 में इसका एक सेकेंड वर्जन पब्लिश हुआ जो कि तकरीबन 500 वर्ड्स का था। तो ये तो हो गया इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा एसे है ऑफ स्टडीज, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रांसिस बेकन इस एसे की शुरुआत ये कहकर करते हैं कि स्टडी जो है, यानी पढ़ाई जो है, उसके थ्री मेजर यूजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, या फिर कह ले स्टडी थ्री मेन पर्पस को सर्व करती है, और इन्हीं बेनिफिट्स की वजह से लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पर्पस जो स्टडी हमें सर्व करती है वो है डिलाइट यानी खुशी। सेकंड पॉइंट है ऑर्नामेंट, यानी स्टडी ऑर्नामेंट की तरह एक्ट करती है और वो हमारे वोकैबुलरी को, हमारे कन्वर्सेशंस को ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा रिच बनाती है। और थर्ड पॉइंट है एबिलिटी, यानी वो हमारे एबिलिटी को बढ़ाती है ताकि हम बेहतर तरीके से जज कर सके किसी मैटर को या फिर किसी इशू को। और इसी के साथ फ्रांसिस बेकन हमें स्टडी के जो तीन पर्पस हैं उनका एक ब्रीफ अकाउंट देते हैं और कहते हैं कि जो लोग स्टडी को डिलाइट के पर्पस से करते हैं, यानी हैप्पीनेस के पर्पस से करते हैं, वो लोग बेसिकली अकेले में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं। जब वो लोग अपने डे टू डे एक्टिव लाइफ से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं और रिलैक्स करना चाहते हैं, तब वो अपने फेवरेट बुक के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उससे वो रिलैक्स कर पाते हैं और वो इन्जॉय कर पाते हैं। और उसके बाद स्टडी का जो सेकेंड पर्पस था, यानी स्टडी सर्व एज ऑर्नामेंट, यहाँ पर फ्रांसिस बेकन का ये मतलब है कि जो लोग काफ़ी वेल एडुकेटेड होते हैं, उनके जो कन्वर्सेशन स्किल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं इन कम्पेयर टू एन अनएडुकेटेड पर्सन, और वो लोगों से काफ़ी एफिशिएंटली डील कर पाते हैं। जिस तरह से हम जब एक ऑर्नामेंट, एक ज्वेलरी पहनते हैं तो हम ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, ठीक उसी तरह से स्टडी जो है वो हमारे वोकैबुलरी को, हमारे कन्वर्सेशन को, हमारे कम्युनिकेशन को वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। और उसके बाद स्टडी का जो थर्ड पर्पस था, यानी स्टडी हमारी एबिलिटी को बढ़ाता है, इससे फ्रांसिस बेकन का ये मतलब है कि जो लोग हाईली एडुकेटेड होते हैं या फिर एक्सपर्ट होते हैं वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जजमेंट कर सकते हैं इन कम्पेयर टू एन अनएडुकेटेड पर्सन, और वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्प्लेक्स इश्यूज या फिर कम्प्लेक्स मैटर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टडीज़ के बेनिफिट्स और उनके एडवांटेजेस के बारे में बात करने के बाद फ्रांसिस बेकन आगे हमें स्टडीज़ के लिमिटेशन और उनके डिसएडवांटेजेस के बारे में बताते हैं। और वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपना बहुत ज़्यादा समय पढ़ाई में स्पेंड करता है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है, और वो उस इंसान को स्लॉथ एनिमल से कंपेयर करते हैं। और उसके बाद फ्रांसिस बेकन हमें सेकंड डिसएडवांटेज बताते हैं और कहते हैं कि अगर कोई इंसान एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी बहुत ज़्यादा अपने स्टडीज़ को यूज़ करता है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रिटेंशियस होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा दिखावा करता है और वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, और वो कहते हैं कि ऐसे शो ऑफ को अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद फ्रांसिस बेकन थर्ड डिसएडवांटेज बताते हैं और कहते हैं कि अगर कोई स्कॉलर अपने लाइफ के ज़्यादातर डिसीजंस को अपने स्टडीज़ से, अपने नॉलेज से और उन रूल्स से लेगा जो उसने पढ़े थे, तो वो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारी मदद करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन से डील करने में। और इस चीज़ को बेकन आगे और अच्छी तरीके से इलैबोरेट करते हैं एक सिमली को यूज़ करके, और कहते हैं कि द नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड प्रॉनिंग बाय स्टडी, यानी हर एक इंसान का अपना एक नेचुरल एबिलिटी होता है, अपना एक काबिलियत होता है, और स्टडीज़ उन्हें हेल्प करती हैं उन्हें परफेक्ट बनाने में, पर स्टडीज़ के साथ ही एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है ताकि वो परफेक्शन को हासिल कर सकें। और स्टडीज़ जो है वो एक इंसान को हज़ारों रास्ते चलने के लिए दिखाएगी, पर एक्सपीरियंस जो है वो इंसान को मदद करती है सही राह चुनने में, सही रास्ता चुनने में। और इसी के साथ बेकन कहते हैं अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया है स्टडीज़ को देखने का, और वो लिखते हैं क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज़, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज़ देम, यानी जो चालाक किस्म के लोग होते हैं, जो लोगों को बहकावे में रखते हैं, उस तरह के लोग पढ़ाई की कभी भी प्रशंसा नहीं करते हैं, उसकी तारीफ नहीं करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो साधारण आदमी है वो हमेशा उसकी प्रशंसा करता है, उसकी हमेशा तारीफ करता है, पर समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपने स्टडीज़ को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सके और उससे आइडियाज़ ले सके और अपने डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सके। और फ्रांसिस बेकन फिर हमें स्टडीज़ के कुछ रूल्स बताते हैं, कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हम हर जगह आर्गुमेंट करते फिरे, हर जगह बहस करते फिरे, तो इससे स्टडी करने का क्या मतलब होगा, ये तो एक तरह से वेस्ट हो गया स्टडी का। और वो दूसरी बात ये कहते हैं कि हमें आँख बंद करके उन सारी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो एक बुक में लिखा हो, हमें अपने खुद का भी दिमाग यूज़ करना चाहिए, हमें उसे क्रिटिकली अपने दिमाग से जज करना चाहिए और हमें ये लॉजिकली सोचना चाहिए कि ये जो बुक में लिखा हुआ है ये सही है या नहीं। और इसके बाद बेकन हमें बुक्स के बारे में बताते हैं, और वो कहते हैं कि सारे बुक्स को एक ही तरीके से, एक ही मैनर में नहीं पढ़ना चाहिए, अलग अलग तरह के बुक्स को हमें अलग अलग तरीके से अप्रोच करना चाहिए। जैसे कुछ बुक्स को हमें सिर्फ टेस्ट करना चाहिए, टेस्ट से उनका मतलब है कि हमें उन्हें पार्ट्स में पढ़ना चाहिए, जिसमें हम कुछ पेजेस को स्किप भी कर सकते हैं और उसे हमें लाइटली लेना चाहिए क्योंकि वो हर जगह काम नहीं आती।
उसके बाद सेकंड कैटेगरी ऑफ बुक्स आता है जहाँ पे वो कहते हैं कि इस तरह के बुक्स को हमें स्वॉलो कर लेना चाहिए, यानी कि इस तरह के बुक्स को हमें कम्प्लीटली रीड करना चाहिए बट सिर्फ अपने एन्जॉयमेंट के लिए, अपने क्यूरियोसिटी के लिए। उसके बाद वो थर्ड कैटेगरी ऑफ बुक्स की बात करते हैं और वो कहते हैं कि कुछ बुक्स को हमें प्रॉपरली च्यू कर लेना चाहिए और उसे डाइजेस्ट कर लेना चाहिए। च्यू और डाइजेस्ट से इनका मतलब है कि इन बुक्स को हमें बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए, लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि इस तरह के बुक्स का कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जिसे हम लोग बाद में अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ बेकन एक और कैटेगरी ऑफ बुक्स की बात करते हैं, डिस्टिल बुक्स की, यानी कि अगर कोई बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तब आपको उस बुक को पूरा पढ़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि अगर किसी दूसरे ने उस बुक को पढ़ रखा है तब आप उस दूसरे इंसान से उस बुक के बारे में कुछ पॉइंट्स पूछ सकते हैं, उसका रिव्यू ले सकते हैं या फिर थोड़ा एक्सट्रैक्ट ही काफ़ी होता है बजाय इस पूरे बुक को पढ़ने के। अब इसके बाद फ्रांसिस बेकन रीडिंग के, कन्वर्सेशन के और राइटिंग के क्या इफेक्ट्स होते हैं एक इंडिविजुअल पर, एक मैन पर, उसके बारे में बात करते हैं। अगर कोई इंसान रीडिंग करता है तो उससे उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मदद मिलती है, उससे उसके पर्सनैलिटी में एक परफेक्शन आती है, उसका नॉलेज बढ़ता है, उसका नॉलेज एक्सपैंड होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान सोशली इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ, कन्वर्सेशन करता है, तो उससे उसका दिमाग तेज होता है, क्विक होता है और वो प्रैक्टिकली अपने लाइफ में क्विक एक्शंस ले पाता है। और थर्डली वो कहते हैं कि जो इंसान लिखता है तो लिखने से क्या होता है, उसके ब्रेन में जो वीकनेस है, उसके जो वीक पॉइंट्स है, वो सब हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, उससे उसका माइंड जो है वो शार्प होता है, इम्प्रूव होता है और उसने जो भी पढ़ा है वो बेहतर तरीके से उसे याद कर सकता है। और इसी के साथ फ्रांसिस बेकन ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान कम लिखता है तो उसके पास इतनी मेमोरी होनी चाहिए, इतनी याददाश्त होनी चाहिए कि जो भी उसने पढ़ा है उन सारी चीज़ों को वो याद रख सके। और फिर वो सेकंड पॉइंट ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान लोगों से कम इंटरेक्ट करता है, कम कम्युनिकेट करता है, तो उसके पास इतना शार्प विट होना चाहिए, विट यानी इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए कि वो हर चीज़ों को क्विकली कर सके और लोगों को वो कम से कम वर्ड्स में अपनी बातों को समझा सके। और तीसरी बात वो ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत कम रीड करता है, पढ़ता है, तो उससे इतना चालाक होना चाहिए ताकि वो लोगों को दिखा सके कि वो उन सारी चीज़ों को जानता है जो एक पढ़े लिखे लोग जानते हैं। और फाइनली इस एसे के लास्ट पार्ट में फ्रांसिस बेकन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग पर्पस और उनके बेनिफिट्स की बात करते हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ने से इंसान समझदार बनता है, पोइट्री पढ़ने से उसका इमेजिनेशन बेहतर होता है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इमेजिन कर सकता है, मैथ्स को करने से इंसान लॉजिकली सोच पाता है, लॉजिकल थिंकिंग उसका अच्छा होता है और वो फोकस कर पाता है, उसी तरह से फिलॉसफी की स्टडी करने से इंसान गहराई से सोच पाता है और उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ इम्पार्ट होते हैं, और आखिर में लॉजिक और रिटोरिक पढ़ने से इंसान कहीं भी आर्गूमेंट कर सकता है। तो वो इंडिविजुअल पर्सन पर डिपेंड करते हैं कि उनके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं और वो उस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज़ करके पढ़ सकते हैं। जिस तरह से अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरह के फिजिकल एक्सरसाइज होते हैं, जैसे शूटिंग अच्छा होता है लंग्स के लिए और चेस्ट के लिए, वॉकिंग अच्छा होता है पेट के लिए और राइडिंग अच्छा होता है सिर के लिए, ठीक उसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग डेफिशिट्स को, कमियों को पूरा करते हैं। अगर किसी इंसान के दिमाग में कोई कमी है, कोई वीकनेस है, तो वो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है। तो जैसे अगर किसी इंसान का मन भटकता रहता है, एक जगह नहीं टिकता है, तो उस इंसान को मैथ्स करना चाहिए, उससे उसका फोकस बढ़ेगा। उसी तरह से फिलॉसफी की पढ़ाई करने से वो डीप थिंकिंग कर पाएगा। और उसी तरह से अगर किसी इंसान की मेमोरी अच्छी नहीं है, उसकी याददाश्त अच्छी नहीं है, तो उसे लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए, वो उसके लिए एक इफेक्टिव मेडिसिन की तरह काम करेगा। तो बेकन इस एसे को फाइनली कंक्लूड करते हैं ये कहकर कि चाहे किसी भी तरह का डिफेक्ट हो, चाहे डेफिशिट हो, कमी हो आपके दिमाग में, आपके माइंड में, तो उसकी रेमेडी आपको स्टडीज़ में ज़रूर मिल जाएगी। तो इस तरह से इस एसे का एंड होता है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।